आप लोग आई हो, आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बैठे हम रसोई में और अभी यहाँ पे चावल बन पक रहे हैं और अभी हम आए हैं यहाँ। अभी कल से मेरे एग्जाम है और बुरा हाल होगा कल। तो कल ड्राइंग का एग्जाम है तो उसमें ज़्यादा कठिन तो नहीं है पहला, लेकिन फिर भी कठिन तो कठिन है। और आज हम यहाँ पे ना आनो आनो पड़ी आने, तो आप जानते हो आने क्या होता है, गोले ओले ओले ओले, तो उनको हमने देखा भी। और यहाँ बहादुरपुर में बर्फ भी पड़ी तो इस बार हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम सबको बुखार आया है, इसलिए हम नहीं गए क्योंकि हमको सबको बुखार आया है। एक तो वो एकदम से गल गई, ज़्यादा देर नहीं रही, मतलब एक ज़्यादा देर नहीं रही। और अभी क्या क्या अभी तो अभी सीख रहे हैं मास्क, क्योंकि बाहर गए तो ठंड से, अंदर बैठे तो गर्मी, बाहर जाए तो ठंड। और ये जो ये कोट है बहुत पुराना हो गया है, ये देखिए छोटा भी हो गया लेकिन बहुत गर्म है, इसलिए अगर बाहर जाए तो भी ठंड लगती है। और एग्ज़ाम सब कुछ करने, उनकी तैयारी भी करेगी अभी, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अभी काफ़ी ठीक हैं। तो आज भी फिर दोबारा से बारिश लगी है, अब बारिश चूकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी मैं आई थी काउशेड, और काउशेड में जो हमने कल कीचड़ जो हमने बाहर निकाला था ढेरी जैसी, उसको हमने फिनिश कर दिया दोनों ने, माँ बेटे ने, और हल्की हल्की सी बारिश लगी है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमने जो ढेरी लगाई थी कीचड़ की, वो हमने बड़ी मुश्किल से ढोली। अब यहाँ पे ये बच गया है लास्ट वाला एक, और गाय की ये बोरी हमने सुबह डाली थी ऐसे बाहर सूखने के लिए, तो इस पर पड़ गई बारिश। और अब ये भी होगी गीली, तो भी इसको भी बाहर ही लटकाया है, शायद हवा में थोड़ा थोड़ा ये सूख जाएगी। और यहाँ पे निकाली है हमने लकड़ियाँ, तो बारिश है और लकड़ियाँ तो भाई जलानी ही है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियों के। और ये लेके जा रहा है दीक्षु घर, और मैं जा रही हूँ अब लास्ट लेके। तो यहाँ पे ले लिया है हमने न्यूट्री, और ये डाल दी हमने पतीले में, और न्यूट्री को हमने भीगने के लिए छोड़ दिया। और साथ में काट लिए है मैंने यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे लहसुन और प्याज। तो मैं अभी ये थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू का छिलका निकाल लिया था, और ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आलू यहाँ पे काट लिए हैं। तो यहाँ रख ली है हमने चूल्हे पे पतीली, तो आज हम कुकर की जगह पतीली में खाना बनाएंगे, क्योंकि जो पतीले की खाना बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है कुकर की वजह। और ये डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल, तो ये तेल हम अभी गर्म होने, और हमारा तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। और हमारी ये पतीली जो ना सिल्वर की बहुत पतली है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा जल्दी से हर एक चीज़ बन जाती है। और ये ले लिया मैंने सूखा धनिया, तो
सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया और हमारा धनिया पक चुका है। ये डाल दिया मैंने लहसुन प्याज और ये डाल दिया 1 चम्मच मेथी। और अब हम इसको भी चला लेंगे। और ये डाल दी मैंने सूखी मिर्ची और ये डाल दिया मैंने इसमें हल्दी पाउडर। इसको भी तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। का यहाँ पे भून चुका है और ये डाल दी मैंने साथ में इसमें टमाटर। और 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। ऐसे ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हमारे टमाटर यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है यहाँ पे। तो अब मैं डाल लेती हूँ इसमें आलू। तो इस सब्जी को बनने के लिए वैसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो भी ऐसे भी बर्तनों में सब्जी बनाया करते थे, वो कुकर को तो बहुत कम इस्तेमाल करते थे। और ये डाल दी मैंने साथ में न्यूट्री। और ऐसे ही मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये सब्जी यहाँ पे काफ़ी तक फ्राई हो गई है और साथ में डाल दिया मैंने अदरक और ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा इसमें पानी। तो अब हम अपनी सब्जी का ढक्कन उठा के देख लेते हैं और हमारी सब्जी में कितने अच्छे से ये पकने लगी है, कितने अच्छे से इसमें उबाल आने लगा है। और ये देखिए अब हमारी सब्जी वैसे पक चुकी है और अच्छे से मिक्स भी यहाँ पे हो गई है देखिए। तो अब उतार लेते हैं हम अपनी सब्जी नीचे। ये वाली चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं सेंसी, तो इसकी मदद से हम एकदम से अपना बर्तन नीचे उतार सकते हैं। और वैसे तो हम ऐसे कपड़े ऐसे लगा के भी ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे तुमसे उठा लेते हैं, बट इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सारी आग जली हो तो हम तब भी इसको ऐसे एकदम से निकाल उतार सकते हैं या फिर ऐसे जल्दी से छोड़ सकते हैं, हमें इस गर्मी नहीं लगती हाथ में। तो ये बन गई हमारी सब्जी। तो ये देखिए